देखिए नेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखिए, लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है कि सी एंड डी आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। ए और बी जो है वो ऊपर वाले का रूट है और सी और डी जो है वो इसका रूट है। जहां पर की जो ए बी सी डी है वो किसमें है, जीपी में है। ए बी सी डी आर इन जीपी, देन प्रूव दैट कि पी प्लस क्यू रेशियो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17:15। ठीक है, तो ए और बी जो है वो इसका रूट है। अगर इसका रूट ए और बी है, हालांकि इसका दो ही रूट हो ही सकता है, एक ए और बी और इसका भी दो रूट है, एक सी और डी। अगर यहां पर अगर सम ऑफ रूट अगर मैं निकालता हूं ए प्लस बी, तो वो आएगा माइनस 3, चूंकि x का कॉफिशियंट ही सम ऑफ जीरो होता है। और अगर ए बी निकालते हैं तो वो कितना होगा, पी होगा, ए बी इज इक्वल टू पी होगा। सेम अगर मैं यहां पे अगर सी प्लस डी निकालता हूं तो वो होगा माइनस 12, और अगर मैं सी डी निकालता हूं तो वो होगा कंप्लीटली क्यू। बोलो हाँ या ना। अब अगर ये ए बी सी डी किसमें है, जीपी में है। ए बी सी और डी ये चारों का चारों किसमें है, जीपी में है। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म कितना होगा, ए आर। थर्ड टर्म कितना होगा, ए आर स्क्वायर। और फोर्थ टर्म कितना होगा, ए आर पावर 3। यही होगा ना, यही होगा बिल्कुल, ए आर स्क्वायर ए आर पावर 3 यही होने वाला है। अब देखिए अगर ये बी है, ठीक है, तो ए के जगह पर तो हम ए को पुट करेंगे, यहां से ए हो गया। लेकिन बी, बी के जगह पर हम ए आर को पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 3। देन यहां से अगर ए को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 3। सिमिलरली यहां से देखिए सी, सी के जगह में अगर आप पुट करोगे ए आर स्क्वायर प्लस डी, डी के जगह में आप अगर पुट करोगे ए आर क्यूब, तो ये कितना आने वाला है, माइनस 12। यानी कि यहां से देखिए अगर आप कॉमन करोगे तो यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन आने वाला है, यहां 1 बचेगा और यहां पे एक आर बचेगा, इज इक्वल टू माइनस 12। क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। तो वो हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड करता हूं, यानी कि डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन कितना है, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इज इक्वल टू माइनस 12, और अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो ये होगा a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू माइनस 3, इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब देखिए कि 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल हो गया, माइनस से जो है वो माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 12 गया 4 बार में, और a से a कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 4 हो गया, देन r का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2। तो r का जो वैल्यू है वो कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, बाकी आपको निकालने के लिए कहा था कि p प्लस क्यू और रेशियो q माइनस p, तो p का वैल्यू क्या होगा और q का वैल्यू क्या होगा, इस चीज को आप निकालिए। तो p कहां से निकलेगा, ए बी को मल्टीप्लाई करके, a कितना है, a, a तो a ही है ना, एक मिनट, एक दूसरे पेन से मैं लिखता हूं। ए का वैल्यू जो है वो ए हो गया, और बी, बी का वैल्यू कितना है, ए आर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आर हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है, पी है मेरा। उसी तरह से अगर यहां पर अगर देखा जाए क्यू का वैल्यू अगर निकालेंगे तो सी का वैल्यू हो गया है ए आर स्क्वायर इंटू डी का वैल्यू हो गया है ए आर पावर 3 इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से ये हो जाएगा ए स्क्वायर और आर टू दी पावर 5 इज इक्वल टू क्यू, है ना। ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पे q का वैल्यू निकल गया। r का वैल्यू अगर पता चल गया है तो आप यहां से a का वैल्यू भी निकाल सकते हो, कहीं भी पुट करके। अगर मैं यहीं पर अगर पुट करूंगा तो निकल जाएगा, है ना। अगर मैं यहां पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो a का जो a इज इक्वल टू होगा वो कितना होगा, माइनस 3 अपॉन, ये चूंकि उधर जाकर डिवाइड में जाएगा, 1 प्लस आर। तो 1 प्लस आर जब करेंगे तो ये होगा माइनस 3, सॉरी प्लस 3, 2 प्लस 1 3, और जब ये कटेगा तो ये आएगा माइनस 1। अगर a का वैल्यू, सॉरी r का वैल्यू माइनस 2 होगा तो माइनस 2 और प्लस 1 करेंगे तो ये होगा माइनस 1, और जब ये इधर जाएगा माइनस 1 में तो ये होगा प्लस 3। आया ना, क्लियर है ना। अगर r का वैल्यू अगर माइनस 2 होगा तो उस कंडीशन में a का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा।
क्योंकि अगर r का वैल्यू अगर माइनस दो होगा तो माइनस दो प्लस वन माइनस वन होगा, माइनस वन जाकर डिवाइड होगा तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, प्लस थ्री बचेगा। तो a का जो है यहां से जो है ना वो a का दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए आप अगर फर्स्ट वाला मैं लेता हूं तो p कहां लिखू, चलिए यहां लिखता हूं। ठीक ना, अगर a का वैल्यू जो है वो माइनस वन है तो यहां अगर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा प्लस वन, इंटू में आर करेंगे तो आर का वैल्यू अगर दो था ना, पहले दो था तो दो था तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का वैल्यू कितना हो गया, दो हो गया। और क्यू का वैल्यू कितना हो गया, तो ए का वैल्यू हो गया माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो गया, और आर टू दी पावर फाइव यानी कि दो पर पावर अगर पांच करेंगे तो ये होगा थर्टी टू, ये कितना होगा थर्टी टू। तो यहां से निकल गया पी और क्यू का वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगर ए का वैल्यू अगर थ्री हो जाए उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो ए का वैल्यू अगर थ्री होगा तो तीन का स्क्वायर नौ और माइनस दो करेंगे तो पी का वैल्यू किसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया, यानी कि नाइन इंटू माइनस टू माइनस एटीन। और क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू हो गया तीन सॉरी हाँ तीन, तीन का स्क्वायर हो गया नाइन और आर टू दी पावर फाइव होगा तो ये हो जाएगा माइनस थर्टी टू, है ना माइनस थर्टी टू। और माइनस थर्टी टू इंटू नाइन अगर करते हैं तो देखिए माइनस थर्टी टू इंटू नाइन करेंगे तो ये हो जाएगा नौ दूनी अठारह एक सत्ताईस एक अट्ठाईस माइनस टू हंड्रेड एटी एट, टू हंड्रेड एटी एट। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि p प्लस क्यू निकालिए अपॉन में q माइनस p निकालिए, है ना, और ये इक्वल टू होना चाहिए आपका 17:15 के रेशियो में, 17:15 के रेशियो में इसे आपको प्रूफ करना है। तो अगर p प्लस क्यू करते हैं यहां से, ठीक है पहले यहां से करते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा 34 और माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, जब जब q में से जब p घटेगा तो ये हो जाएगा 30। अब अगर इसको काटेंगे तो ये होगा 17 और ये होगा 15, और देखिए कि 17:15 ही आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था। यहां से निकल गया ये, वहां से निकालिए तो भी जो है वो निकल जाएगा, ठीक है वहां से भी वही निकलेगा, तो आपकी जैसे मर्जी वैसे आप बना सकते हो। क्लियर हो गया, तो p प्लस क्यू अपॉन में q माइनस p इज इक्वल टू कितना हो गया 17/15, ये यहां से जो है वो निकल गया। ठीक है,